हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू हिमांक मॉम व्लॉग। और आज ये लंच का टाइम है, लंच बना रही हूँ मैं। और आज लंच में बन रही है गोभी आलू की सब्ज़ी। और साइड में मैंने गोभी को भी एक पानी उबाला है, उसमें मैंने नमक, मिर्ची और हल्दी पाउडर डाली है। और इधर कढ़ाई पे मैंने तेल डाला है, जीरा, सरसों और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है। अब मैं इसमें आलू, दो कटे हुए आलू डालूंगी जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। और इसे 5 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे भुनेंगे ताकि इसमें अच्छी सी एक लेयर बन जाए। अब उसके बाद साइड बाय साइड मैंने जो अनियन कट कर लिए थे, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी अनियन ली है, मतलब एक बिग साइज़ अनियन बारीक काट ली है। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। और उधर साइड में आप देख सकते हैं कि मेरा दाल भी बन चुका है। और इधर मैं गोभी है उसको स्टेनर में स्टेन कर लूँगी। उसके बाद मैं गोभी को इसमें डाल दूँगी और फिर मैं इसे लगभग 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही भूनूंगी। जब तक मेरी गोभी भून रही है तब तक मैं इधर सब खिड़की खोल रही हूँ ताकि धूप अंदर आए, मतलब खिड़की हमारी जाली वाली लगा रही हूँ, कांच वाली साइड कर रही हूँ। और तो फिर मैं यहाँ पे सारे ब्लैंकेट वगैरह रख दूँगी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था तो मैं इसे जगह पे नहीं रख पाई थी। और मैं आजकल खाना थोड़ा जल्दी भी बना देती हूँ, नाश्ता करने के तुरंत बाद बना देती हूँ। और यहाँ पे सारे बेड वगैरह टाइडी कर लूँगी। फिर वहाँ से ये सब टैडी वगैरह करके आने के बाद मैं यहाँ किचन आ गई। और इसमें मैंने टमाटर कट करके डाला है, तो मैंने 3 टमाटर डाला है मीडियम साइज़ का। फिर मैं उसमें नमक ऐड कर दूँगी, फिर इसे लो फ्लेम पे मैं अच्छे से भूनूँगी। और यहाँ पे मैं साथ साथ सब्ज़ी भी बना रही हूँ और साथ साथ पूरा घर भी टैडी कर रही हूँ। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और एक जो ग्रीन पेस्ट है मेरे पास धनिया पत्ती का वो। और यहाँ पे अच्छे से इसको ढक के पकाया है मैंने। और साथ ही मेरी किचन भी क्लीन है, तो मैं आज एक साथ डबल डबल काम कर रही हूँ। मैं आज घर को भी क्लीन करते जा रही हूँ और इधर सब्ज़ी भी पका रही हूँ, क्योंकि गोभी आलू की सब्ज़ी थोड़ी टाइम टेकन सब्ज़ी होती है, तो धीरे धीरे वो भी पक रही है और साथ के साथ मेरा काम भी हो रहा है। और यहाँ पे मेरा जो दाल है वो भी बन चुका है, तो मैं दाल भी तड़का अभी के अभी लगा दूँगी, तो सिर्फ राइस बस बच जाएगी लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं दाल तड़का लगाने के लिए चम्मच लिया है मैंने, उसमें मैं 1 चम्मच के करीब तेल डालूँगी। और बस मैं सिंपल सा तड़का लगाती हूँ, तो इसमें मैं जीरा डालूँगी और 1 खड़ी मिर्च डालूँगी, और उसमें फिर मैं लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और गरम मसाला मैं फ्लेम बंद करके इसमें ऐड कर दूँगी ताकि वो जले ना। फिर मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे घर पे ही स्पा कर सकते हैं अपने बालों को, मतलब आप घर पे ही। मैंने एक क्रीम मंगाई है बेला वीटा करके, मैं उसका ही अच्छे से प्रॉपर यूज़ बताऊँगी कि घर पे कैसे स्पा करें। तो इसके बाद मैं क्लीन व्लीन भी हो गई थी मेरी घर, और उसके बाद मैंने बात ले ली, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक खास वीडियो जिसमें आप हेयर स्पा कर सकते हैं घर में ही, वो भी बहुत कम बजट में। तो मैं जो प्रोडक्ट मैं अपने हेयर के लिए यूज करती हूँ एज ए स्पा क्रीम, तो मैं सबसे पहले उसके बारे में बता देती हूँ। वाली वो क्रीम है बेला वीटा करके है, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। और इसमें ब्लैक सीड, अनियन, एप्पल साइडर विनेगर, नीम
कॉफ़ी, ब्राह्मी, ये सब चीज़ें हैं। और ये पैराबेन सल्फेट सिलिकॉन फ्री है, और इसमें केराटिन भी है, बायोटिन भी है। तो ये आपके जो हेयर को, उसको एक प्रोटीन होता है इसमें, जिससे वो हेयर ग्रोथ होती है, एक कंडीशनिंग का काम करता है। और ये 200 ग्राम का पैकेट है, और इसका एक्चुअल MRP है 799, पर ये आपको अमेजन पे 399 में मिल जाएगी। मतलब ये है 800 का प्रोडक्ट, लेकिन आपको ये बिल्कुल हाफ प्राइस में मिलेगा, 400 में मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे हेयर वॉश कर लिया। आपको हेयर वॉश अपने जो भी नॉर्मल शैम्पू यूज करते हैं उससे करनी है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने कॉम कर लिए हैं अपने हेयर को। ये अभी कुछ इस तरीके से आता है। ये बहुत ही गाढ़ा होता है, ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए बहुत ही गाढ़ी होती है। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसको थोड़ा सा डायलूट करना है तो आप इसमें रोज़ वाटर मिला सकते हैं, एलोवेरा जेल मिला सकते हैं। आप रोज़ वाटर मिला सकते हैं, एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, हनी मिला सकते हैं, विटामिन ई ऑयल मिला सकते हैं, ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं, आमंड ऑयल मिला सकते हैं। लेकिन मैं आज इसे एज इट इज़ ही यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसको बता रही हूँ, अगर आपको इसको थोड़ा डायलूट करना है तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। अब आपको बस थोड़े थोड़े सेक्शन देने हैं बालों के, और आपको बस अपने हाथों में इस तरीके से लगा के इस तरीके से अप्लाई करनी है। थोड़े थोड़े सेक्शन लेके आपको ये करनी है। तो सबसे पहले तो मैं पीछे कर लूं बाल को, और फिर मैं धीरे धीरे करके एक एक सेक्शन में लगाती जाती हूँ। ये लेनी है और ये ऐसे लगाते जानी है। ऐसे ही पार्लर में भी अगर आप स्पा कराएंगे तो ऐसे ही लगता है। बार बार उसे इस तरीके से लगाते हैं। बस आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन लूंगी और थोड़ी सी क्रीम लगेगी। ये देखिए थोड़ी सी क्रीम में आपका लग जाएगा ये पूरा। और मेरी तो काफ़ी लेंथ है हेयर की, तभी इसे मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मुझे काफ़ी कम अमाउंट लगा था। मैं इसको एज अ कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले बार जो यूज़ किया था ना, मैंने शैम्पू करने के बाद इसी को कर लिया था, मैंने कंडीशनर नहीं लगाया था। और अब मैं कंडीशनर छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि आप स्पा क्रीम को ही कंडीशनर लगा सकते हैं। और आपके बाल शैम्पू किए होने चाहिए, बट कंडीशनर आप अप्लाई करके कभी भी इसको यूज़ ना करें। बस आप शैम्पू कर लीजिए, जो भी आपका नॉर्मल शैम्पू है, और बस इसको आप अप्लाई करके 20 मिनट आपको ऐसे ही रखना है। और उस 20 मिनट में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप चाहे तो 20 मिनट का यूज कीजिए, अच्छे से थोड़ा सा लिया लगा। इसी तरीके से आपको पूरे हेयर में लगानी है, शैम्पू बस करनी है, कंडीशनर नहीं करनी है आपको। और इस बात पर, और आप कंडीशनर के जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डैमेज होता है हमारे टिप्स पे, तो आप अलग से लेके इसे ऐसे ऐसे कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था इसने, मैंने फर्स्ट वॉश में ही, मतलब फर्स्ट यूज में ही मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा ये। और इसकी प्राइस 400 है, मतलब 399। बट एक बात बोलूँ, आप अगर ज़्यादा पैसा थोड़ा देंगे तो आपको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। अगर आप कम पैसे लगा के कुछ स्पा क्रीम लेते हैं जैसे कम रेट के, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, और वो ज़्यादा अमाउंट में लगते हैं। ये तो कम अमाउंट में लग के भी इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मेरे सबसे ज्यादा डैमेज बाल है टिप्स, तो मैं टिप्स पे ज्यादा लगाऊंगी। और आप इसे डायलूट भी कर सकते हैं, सबसे मेन पॉइंट ये बहुत गाढ़ा है, तो डायलूट भी कर सकते हैं।
आपको बता देती हूँ, दो बार यूज़ किया है मैंने और ये देखो बस इतना ही ख़त्म हुआ है, बहुत कम ख़त्म हुआ है। इतना तो कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा, मतलब दो तीन बार ही बस चलता है। और अब आपको सिर्फ 20 मिनट इसको ऐसे ही रखना है, फिर आपको नॉर्मल रिंस कर देना है, इसको नॉर्मल वाटर काम कर सकते हैं आपने इसे। तो फिर मुझे यहाँ 20 मिनट तक अपने बालों में स्पा क्रीम लगाए रखना है, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अपने हेयर अपने फेस पे एक फेस मास्क लगा लूँ। तो मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, थोड़ी सी बेसन लिया है, चावल आटा लिया है और उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ली है और इसे गुलाब जल डाला है। आप चाहो तो हनी डाल सकते हो, दही या फिर दूध डाल सकते हो और कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो। मैंने सिंपल सा फेस मास्क रेडी किया है और मैं इसे लगा लूँगी और 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही रख के वॉश कर लूँगी अच्छे से। अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ और मेरे हेयर पे अभी भी स्पा क्रीम लगी हुई लगाया, तो आप एक टॉवल लीजिए और उसे गर्म पानी में डिप कीजिए और अपने बालों पे लगा लीजिए, स्टीम दे लीजिए। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर ही यूज़ कीजिए। तो मैं मेरा बाल इतना सॉफ्ट है और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। और जब मेरे हेयर सूख जाएंगे, मैं अपने हेयर को नॉर्मली ऐसे ही ड्राई करती हूँ, कोई यूज नहीं करती ड्राई क्रीम यूज नहीं करती हूँ। जब हेयर सूख जाएंगे उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि मेरा हेयर कैसा दिख रहा है। शाम का टाइम है तो इस टाइम मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने बेटों को कुछ कुछ जो एजुकेशनल वाले एक्टिविटी वाले जो खिलौने हैं टॉयस है उससे मैं उनको उसको कुछ कुछ सिखा रही हूँ। उसे शेप वाला दे दिया है, वो शेप वाला कर लेता है और उसके सारे खिलौने मैं एक साथ कर रही हूँ क्योंकि उसके एक खिलौने के सारे डब्बे इधर उधर गिरे हुए हैं, उधर उधर फेंकाए हुए हैं, वो फेंक देता है, तो मैं वही सब मैं उसके आज टॉयस ही जमा रही हूँ। यहाँ पे मैं उसके ट्रेन की सारी पटरियाँ एक साथ लगा रही हूँ, फिर वो उसमें ट्रेन चलाएगा और उसे हम्प्टी ट्रेन बहुत पसंद है।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इस तरीके के ही वीडियोस इसमें डालती हूँ, बच्चों से रिलेटेड और बच्चों के साथ कैसा टाइम मैनेजमेंट हो एक हाउसवाइफ का, एक मॉम का और पूरे दिन भर का रूटीन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए रेसिपी और एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज़।